बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने झारखंड सरकार से लालू प्रसाद पर कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने कहा है कि लालू ने बीजेपी विधायक ललन पासवान को धमकी दी और कहा कि स्पीकर के चुनाव में वोट मत करना। कॉल झारखंड से आया तो सीएम हेमंत सोरेन इस पर कार्रवाई करें। तारकिशोर प्रसाद ने स्पष्ट कर दिया कि अगर हेमंत सोरेन की सरकार लालू प्रसाद पर कार्रवाई नहीं करती तो वह इस मामले को लेकर केंद्र सरकार से गुहार लगाएंगे। अगर जरूरत पड़ी तो वह सीबीआई से भी जांच की मांग कर सकते हैं। तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि वोटिंग के दौरान दबाव बनाया गया था। विधानसभा में वोटों की गिनती कर रहे विधानसभा के कर्मी का नोटबुक छीना गया। तेजस्वी यादव जिस तरीके से लोकतंत्र की दुहाई की बात कर रहे हैं, एक तरफ तेजस्वी यादव लोकतंत्र की दुहाई देते हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी विधायक को कॉल कर लालू प्रसाद यादव धमकियां दे रहे हैं। क्या यह सही है? कानून का उल्लंघन करना लालू प्रसाद का रिकॉर्ड रहा है। आपको बता दें कि चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव कुछ दिनों से रिम्स निदेशक के बंगले में हैं और वहीं से बिहार की राजनीति में एक्टिव हैं। इन दिनों लालू प्रसाद यादव का एक ऑडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक ललन पासवान को कॉल किया था, जिसमें साफ तौर पर सुनाई दे रहा है कि लालू प्रसाद की तरफ से बीजेपी नेता को ये कहा जा रहा है कि सरकार गिराना है और इसलिए स्पीकर के चुनाव में हमारा साथ दो।